हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह और आज का जो टॉपिक है वो है एसएनआर से रिलेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने जो है अभी तक फॉरेक्स कोई अकाउंट नहीं बनाया है फॉरेक्स ब्रोकर पे, तो ये बेस्ट ब्रोकर्स की लिस्ट है। इनमें से जो है आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से जो सा भी ब्रोकर आपको अच्छा लग रहा है, और ये सारे के सारे जो है बेस्ट हैं। सारे के सारे जो है एक दूसरे को टक्कर देते हैं। कोई एक ब्रोकर किसी चीज़ में अच्छा है तो दूसरा जो है किसी दूसरी चीज़ में जो है अच्छा है। तो ये सारे के सारे बेस्ट ब्रोकर्स हैं, इनमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, डे वन H4 और H1 के चार्ट पे जो है ज़्यादातर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ होते हैं अगर हम नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं तो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम जो है अलग अलग डे वन का सपोर्ट अलग ड्रॉ करते हैं, H4 का अलग करते हैं और H1 का अलग करते हैं, और एक साथ करके रख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और किस तरीके से आइडेंटिफाइंग करें सबको कि डे वन का कौन सा है और H4 का कौन सा है और H1 का कौन सा है, तो उसके लिए एक मैं तरीका बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर टेक्स्ट पे लिख के रख सकते हैं, जैसे डे वन का चार्ट जो है आप रेड कर सकते हैं, जितनी भी लाइंस आपकी रेड कलर में होंगी वो डे वन की होंगी। उसके बाद आप जो है कर सकते हैं H4 का चार्ट जो है आप ग्रीन में कर सकते हैं। उसके बाद H1 का जो है आप कर सकते हैं ब्लैक के अंदर, ब्लैक में कर सकते हैं। H1 का चार्ट जो है आप ब्लैक लाइंस में कर सकते हैं। अब इसको किस तरीके से करना है इसको जो है हम नॉर्मली क्लिक करते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम किस तरीके से हमें पता चलता है, जहां पर जो है काफी बार जो है रिट्रेस होती है मार्केट, या काफी बार जो है जिस लेवल पे जो है मार्केट बाउंस करती है या रिजेक्शन मार के दोबारा जो है वापस आ जाती है, तो वो जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। तो अभी देखते हैं हम, जैसे कि अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपने अगर कैंडलस्टिक किया हुआ है तो इसको लाइन चार्ट पे आप लेके आ जाइए और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डे वन का चार्ट है। तो डे वन का चार्ट की हमने यहाँ पर चेक कीजिए कौन सा लेवल है जहाँ पर मार्केट ने 2 से 3 बार या 4 बार रिस्पेक्ट किया हो। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया, ये एक बार रिस्पेक्ट हुआ, टच हुआ, यहाँ से नीचे आया, फिर टच हुआ, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पर टच हुआ, फिर नीचे आया, फिर टच हुआ बिल्कुल थोड़ा सा और नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टच हुआ ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेक हो गया हल्का सा, यहाँ पर नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर टच हुआ फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर ये देखिए टच हुआ फिर नीचे आया। फिर देखते हैं अब ये इसी लेवल के पास है जहाँ पर जो है अभी मैंने ये SNR ड्रॉ किया है, ये इसी लेवल के पास है और इस लेवल के पास फाइटिंग होनी कंपलसरी है। जैसे ही ये इस जोन के पास आएगा यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट में जो है मार्केट थम जाएगी, यहाँ पर जो है फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कंसोलिडेशन जो है इन लेवल्स के पास जो है कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जो है ये लेवल्स हमें जो है ड्रॉ करने आने चाहिए। तो देखते हैं अभी, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं और हमने इसको करना है रेड। तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं रेड 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 रेड, कहाँ गया ये वाला रेड, ले लेते हैं, ये हमने इसको कर दिया रेड। उसके बाद देखते हैं, ये रेड नहीं हुआ है, काफ़ी बंदे सोच रहे होंगे मेरी आंखें खराब है, बट अब ढूंढने कौन बैठे, इसी को रेड मान लेते हैं। तो उसके बाद और लेवल ढूंढिए जहाँ पर जो है मार्केट एक से ज़्यादा बार जो है रिस्पेक्ट की हो, जहाँ पर मार्केट ने ये लेवल मान सकते हैं, यहाँ पर एक बार हुआ, उसके बाद एक बार दो बार हुआ, यहाँ पर सिर्फ दो बार हुआ है तो कर लेते हैं, दो बार तो कम से कम होना चाहिए। उसके बाद नीचे से देखते हैं, नीचे से यहाँ पर, हाँ ये देखिए, ये एक बार हुआ, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर टच हुआ दो बार, उसके बाद तीसरी बार इसके पास आया और फिर निकल गया। तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए ये लेवल हो गया, या इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसी को जो है इसको तो नीचे ही रख देते हैं, जो ये लेवल है बिल्कुल, ये देखिए ये लेवल है। उसके बाद ये हमने किया एक बार दो बार और ये तीन बार टच होके ऊपर गया, उसके बाद ये चौथी बार हल्का सा ब्रेक होके फिर जो है इसने इसको रिस्पेक्ट किया। और देखते हैं और लेवल्स देखते हैं डे वन के। और एक बात का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पुराना चार्ट मत चले जाना, कहीं 20 साल पुराना चार्ट पे जाके जो है SNR ढूंढने बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। हमने जो है करंट मार्केट का देखना है, डे वन का देख रहे हो तो लास्ट 1-2 महीनों का आप देख सकते हो, उससे ज़्यादा पीछे मत चले जाना। तो ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि एक बार ये रिस्पेक्ट हुआ यहाँ पर, उसके बाद ये देखिए ये हुआ यहाँ पर, उसके बाद दोबारा ये टच होके फिर ऊपर गया है, तो ये इसको मान सकते हैं। उसके अलावा और कोई जोन हमें दिख रहा है? उसके बाद ये देखिए एक बार दो बार तीन बार ये जोन आपको दिख रहा होगा, 1-2-3 बार हो चुका है। और ये देखिए इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं तो ये 4 बार हो जाएगा। ये देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, 1-2-3-4 बार जो है ये लेवल भी जो है बहुत परफेक्ट लेवल है। जैसे ही जो है ये इस लेवल के पास आएगा तो वहाँ पर जो है मार्केट रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद और लेवल्स जो है आप ढूंढ सकते हैं। अब चलते हैं हम H4 के
चार्ट के ऊपर H4 को हम देख लेते हैं। H4 का चार्ट पे हमने कौन सा रखना है, हमने ग्रीन कैंडल रखनी है। इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है आप देखिए, जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जो है टच हो रहा हो, ये देखिए ये लेवल है 1 2 3 4 5, पांच बार ये देखिए। और इसको हमने रखना है क्या, ग्रीन करना है, जो हमें फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। ये जो है H4 का जो है SNR है, ये देखिए हमने कर दिया। और इसको थोड़ा सा जो है और छोटा कर देते हैं, जिससे जो है आसानी रहेगी। ये देखिए 1 2 3 4, और ढूंढते हैं H4 के लेवल्स जो हैं हम, और कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमें मिला 1, उसके बाद 2, देखते हैं और देखते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर ठीक रहेगा ये। ये देखिए एक बार, दो बार, उसके बाद ये हल्का सा बच गया यहाँ से, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हल्का सा टच होके जो है हल्का सा रिट्रेसमेंट मारा। उसके बाद और लेवल चेक करते हैं, और लेवल्स देखते हैं और कौन सा है, और देखते हैं ये जगह जो है H4 में भी बहुत पावरफुल है। ये देखिए एक बार, उसके बाद दो बार, उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरी बार, यहाँ पर टच होते के साथ ही हल्का सा इसने रिस्पॉन्स किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी रुका, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसने ब्रेक किया। यहाँ पर जो है इसने, कहाँ थे हम, कहाँ थे, यहाँ पर थे, यानी कहाँ पर थे, कन्फ्यूज़न हो रही है। जूम इन जूम इन कर लेते हैं H4 के लिए, और देखते हैं यहाँ पर और लेवल्स ढूंढते हैं, और लेवल्स कौन से हैं। ये वाला लेवल देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद देखते हैं और हाँ ये देखिए यहाँ पर भी रिस्पेक्ट हुआ ये, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। तो मतलब 2-3 बार तो कम से कम रिस्पेक्ट होना चाहिए जिस जगह पे, उस जगह को जो है आप ड्रॉ करके रख लीजिए, ठीक है। और देखते हैं और जगहें आपको दिख रही हो, या मैं देखता हूँ ये जगह पे कोई है क्या, इस जगह पे कहीं पर रिस्पेक्ट हुआ, ये हुआ है एक बार, ये हुआ है, उसके बाद ब्रेक हुआ जो है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन में आ गया इसी जगह पे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक किया, फिर इसको रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर ब्रेक हुआ, उसके बाद इसने यहाँ पर जो है रिस्पेक्ट किया, इसको भी मान सकते हैं। उसके बाद हम H1 के जो है लेवल्स चेक कर लेते हैं। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा ये तो हर जगह पे जो है लेवल्स ही लेवल्स हैं, तो ऐसे ही होता है। तो जो है आपको ये ड्रॉ करके रखने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे जो है आपको हेल्प मिलती है ट्रेडिंग में। और इन लेवल्स पे आते के साथ ही जो है थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि इन लेवल्स पे आते के साथ ही वेट कीजिए, रिएक्शन देखिए क्या रिएक्शन हो रहा है। अगर वो ब्रेकआउट करके जा रहा है तो ले लीजिए, बट अगर ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं कर रहा तब तक जो है आप वेट कीजिए उस लेवल को ब्रेक होने तक का। अब देख लेते हैं H1 का चार्ट जो है हम ब्लैक में ड्रॉ कर लेते हैं H1 को। H1 पे हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं ब्लैक, और इसको जो है और इन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये ड्रॉ किया, अब जो है यहाँ पर H1 का ये देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ, ये ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पर टच हुआ, ये ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर जो है ये अब ऊपर निकल गया H1 के। और लेवल्स देखते हैं H1 के लेवल्स और कहीं पर हैं क्या। ये देखिए एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, फिर ये चार, ये देखिए पाँच, के बाद यहाँ पर ब्रेक हुआ, उसके बाद देखिए फिर कंसोलिडेशन में यहीं पर आके फंस रहा है इसी जगह पे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर जो है इसी जोन पे आते के साथ ही, टच होते के साथ ही नीचे को आया, और देखते हैं और यहाँ पर आगे रिस्पेक्ट हुआ नहीं हुआ, और जोन ढूंढते हैं H1 के और लेवल्स ढूंढो H4 के साथ, H1 के भी जो है मिक्स हो रहे हैं, ये देखिए ये आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर और देखते हैं और देखते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक बार, ये देखिए यहाँ पर जो है इस लेवल पे आते के साथ ही ये देखिए ब्रेक हुआ, पुल बैक हुआ यहाँ से डाउन, उसके बाद यहाँ पर आया, ब्रेक हुआ, पुल बैक हुआ, अप गया, फाइनली इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ पर आते के साथ ही ये देखिए आप मूवमेंट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट किया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो है जैसे ये इस लेवल पे आया, फिर यहाँ पर ये आके रुका और ऊपर गया, नीचे ऊपर नीचे इसने ब्रेक किया, फिर देखिए एक बार यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ, के बाद जो है यहाँ पर हुआ, और फिर देखिए फिर ये जो है करंट का ही है अभी, फिर ये जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ है। और इसी तरीके से जो है आप SNRs को जो है ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से मैंने किया, इस तरीके से आपको पता भी रहेगा कि आपका जो है कौन सा SNR है, ये H1 का है, H4 का है, या D1 का है, कौन सा SNR जो है आप इस पे वर्क कर रहे हो, ये कौन सा जो है SNR है। तो ये जो है आपके फ्यूचर रेफरेंस में बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हैं, और इन जोन्स के बाद
ऐसे ही जोन्स के पास जो है मार्केट आता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, और कुछ नहीं करना, सतर्क हो जाना है। और इन जोन्स के पास जो है ना कीजिए, और रिएक्शन का वेट कीजिए, रिएक्शन क्या हो रहा है बाकी जो है हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और कसम खा लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, और लाइक तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अप्रिशिएट करना हम जानते ही नहीं हैं, हम इंडियंस हैं। और शेयर तो भाई कतई नहीं करना है, भी हो जाए शेयर किसी को नहीं करना, किसी का भला नहीं होना चाहिए, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना वर्ल्ड के किसी कोने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।